आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन देख रहे हैं। लॉजिकल फंक्शन में नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन का मतलब होता है नहीं। यह फंक्शन सही कंडीशन होने पर गलत और गलत कंडीशन होने पर सही बताता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इक्वल साइन। फार्मूले की शुरुआत हमेशा इक्वल साइन से होती है। यहाँ लिखेंगे हम एन ओ टी नॉट, और यहाँ हमने दिया कंडीशन y 1 ग्रेटर इक्वल 10। यहाँ अपन चेक कर रहे हैं कि y 1 बड़ा है या बराबर है 10 के। यहाँ पे क्या हो रही, कंडीशन सही हो रही है, लेकिन ये फंक्शन क्या बताएगा, सही कंडीशन होने पे गलत और गलत को सही बताता है। यहाँ पे फाल्स आएगा, मीन्स गलत आएगा। दूसरा फिर से उसने चेक किया, 17 बड़े हैं 10 से, सही हो रहा है, फिर भी ये क्या बताएगा, फाल्स बताएगा। तीसरी कंडीशन है, ये भी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सही हो रही है, लेकिन ये फंक्शन क्या बताएगा, फाल्स बताएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन हमारी सही हो रही है, लेकिन ये गलत बताता है। अगला अपन और देखते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है राम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कंडीशन गलत हो रही है, तो ये सही बताता है। ये तो हमारा एड्रेस था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमने लिखा यहाँ पे नॉट और यहाँ पे हमने बताया कि 20 बड़े हैं या बराबर हैं 18 के। यहाँ आप देख रहे हो कि 20 बड़े हैं या बराबर हैं 18 के। कंडीशन सही हो रही है, लेकिन ये क्या बताएगा, फंक्शन फाल्स बताएगा, मीन्स गलत बताएगा। सही कंडीशन को गलत और गलत कंडीशन को सही बताता है नॉट फंक्शन।